हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में कुछ एक वैकेंसियां जो है आउट हुई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहां पे 401 पोस्टें जो है आउट हुई है। इसका नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा। तो इसके बारे में जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा ये पेपर की कटिंग है। इसमें लिखा गया है हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग में जो है बंपर भर्तियाँ निकली है। स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न श्रेणियों के 401 पदों को भरने की जो है अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो इसकी जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दी गई है हिमाचल प्रदेश हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा। लेकिन अभी तक जो मैं बता दूं आपको, तो हाल ही में जो है इसकी जो नोटिफिकेशन है ऑफिशियल वेबसाइट जो है हिमाचल हेल्थ डिपार्टमेंट की है वहाँ पर नहीं आई हुई है इसकी नोटिफिकेशन। ठीक है, पेपर की कटिंग है। इसमें कहा गया है कि अधिसूचना जारी कर दी गई है लेकिन वो अपलोड नहीं हुई है अभी तक। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होगी तब भी जो है मैं एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इसका जो भी पोस्ट निकली हुई है इनका जो क्राइटेरिया रखा जाएगा, फिर मेन जो क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे वो ये रहेगा कि जो एग्ज़ाम होगा वो डिपार्टमेंट कंडक्ट कराएगा या हमारा हमीरपुर बोर्ड जो है उसे कंडक्ट कराएगा। ठीक है, तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसी से जो हम ये सब बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा IGMC का जो कैंसर हॉस्पिटल है वहाँ पे, नए ट्रॉमा सेंटर और चमियाना में जो आपका मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुला है वहाँ पे जो है ये पोस्ट भरी जाएंगी। ठीक है, जो ये पोस्टें निकली हुई हैं ये भरी जाएंगी आपकी IGMC शिमला जो कैंसर हॉस्पिटल है, ट्रॉमा सेंटर है, और चमियाना में जो आपका मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुला हुआ है वहाँ पे जो है पोस्टें भरी जाएंगी। ठीक है, पोस्टों की बात करें यहाँ पे तो पैरामेडिकल स्टाफ के साथ अन्य भी जो है श्रेणियों के कुछ एक पद भरे जाएंगे, जैसे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट वगैरह। तो चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान निदेशालय में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट JOA के जो है 5 पद भरे जाएंगे, सीनियर असिस्टेंट के 2 पद भरे जाएंगे। इसके अलावा IGMC के ट्रॉमा सेंटर में जो है प्रोफेसर के 2 पद, ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पद जो है, असिस्टेंट प्रोफेसर के 6 पद भरे जाएंगे। सीनियर रेजिडेंट की बात करें तो 6-8 पोस्टें हैं यहाँ पे। ठीक है, और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के फिर दोबारा से जो है 2 पोस्टें आ गई यहाँ पे, सीनियर असिस्टेंट 2 पोस्टें, वार्ड सिस्टर 4, स्टाफ नर्स की बात करें तो 40 वैकेंसी है यहाँ पे। स्टाफ नर्स की बात करें तो 40 वैकेंसियाँ हैं स्टाफ नर्स की। रेडियोग्राफर की 4 पोस्ट है। OTA के जो है 10, स्टोर कीपर की बात करें तो 1 पोस्ट है। प्लास्टर असिस्टेंट 2 पद भरे जाएंगे इसके। टर्सरी कैंसर केयर सेंटर में सीनियर असिस्टेंट का 1 पद, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का 1 पद जो है यहाँ पे भरा जाएगा। वार्ड सिस्टर के 2, नर्स के जो है दोबारा से फिर यहाँ पे 12 पोस्टें हैं, फार्मासिस्ट के 1 है, सोशल वर्कर का 1 पद जो है भरा जाएगा। ठीक है, अगर हम आगे बात करें JOA जो है पोस्टें रिपीट हो रही है, जैसे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की रिपीट हो रही है। ठीक है, कभी 10 आ रही है, कभी 12 आ रही है। तो इस तरीके से जो है पोस्टें हैं ये अलग अलग जो हमारे हॉस्पिटल हैं वहाँ पे भरी जाएंगी। तो जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा इसके ऊपर। ठीक है, हर एक चीज़ जो भी आपका डाउट रहेगा वो उसमें हम क्लियर कर देंगे। आपने जो है जो भी आपका डाउट होगा वो आप जो है कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। देखिए यहाँ पे चमियाना में प्रिंसिपल कार्यालय में एक प्रिंसिपल की पोस्ट है, असिस्टेंट कंट्रोलर फाइनेंस की एक पोस्ट है, अधीक्षक ग्रेड 1 की 1 है, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर की 1 पोस्ट है, सीनियर असिस्टेंट की 1 है। स्टेनोटाइपिस्ट की बात करें तो उसका भी 1 पोस्ट यहाँ पे भरा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक मेडिकल की पोस्ट है, मेडिकल ऑफिसर के जो है स्टोर में 2 पोस्टें हैं, आपात मेडिकल ऑफिसर के जो है 5 पोस्ट है, अधीक्षक ग्रेड 2 में। ठीक है, इसकी जो ग्रेड 2 है इसकी 1 पोस्ट है। और यहाँ पे अगर हम बात करें असिस्टेंट कंट्रोलर फाइनेंस की 1 पोस्ट है दोबारा से, जूनियर स्टेनोग्राफर की 1 पोस्ट, सीनियर असिस्टेंट 1 पोस्ट, फार्मासिस्ट के जो है 4 पद भरे जाएंगे, फैकल्टी रेजिडेंट MO प्रोफेसर के 3 पद। ठीक है, इस तरीके से जो है पोस्टें दे रखी है यहाँ पे। अगर हम बात करें यहाँ पे सीनियर रेजिडेंट की 40 पोस्टें हैं, और नर्सिंग स्टाफ नर्सिंग में जो है यहाँ पे स्टाफ नर्सों की जो है मैक्सिमम वैकेंसी देखी जाएगी 125। ठीक है, इनका जो है दोबारा से जो है ब्रेकडाउन होगा, कुछ एक वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन भी बच जाएगी जनरल कैटेगरी में, SC ST। तो जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो उसी में जो है पूरा ब्यौरा दे रखा होगा इसका। पैरामेडिकल स्टाफ सीनियर रेडियोग्राफर के 2, ठीक है, रेडियोग्राफर के 9, मेडिकल लैब टेक्नीशियन का 1 पोस्ट। तो इस तरीके से जो है ये पोस्टें भरी जाएगी OTA में। यहाँ पे देखिएगा आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की अगर हम बात करें तो इसके 10 पद भरे जाएंगे। तो ये जो है पेपर की कटिंग है। ठीक है, जैसे इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा मैं बता दूं तो उस टाइम जो है हम वीडियो बना देंगे। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रहेंगी आपकी 401। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है लेकिन अभी जो है अपलोड नहीं हुआ है। सो इसमें जो एक इन्फॉर्मेशन वीडियो थी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, काफ़ी हेल्प जो है आपको यहाँ से मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।